सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कुमार सम्भव के 62वें श्लोक से अध्ययन करेंगे। श्लोक है, अगूढ़ सद्भाव इतुंग गत्यगा निवेदित तो नेष्टिक सुंदरतया ऐदमेवं परिहास इत्युमां पृच्छत् व्यंजित हर्ष लक्षण। अन्वय है, इंगित्या तया इति अगूढ़ सद्भाव निवेदित नैष्टिक सुंदर अव्यंजित हर लक्षण सन अयि इदम एवं प्रियास इति उमाम अपृच्छत्। इंगित गया तया पार्वती के हृदय अभिप्राय को जानने वाली उस पार्वती की सखी द्वारा इति इस प्रकार अगूढ़ सद्भाव सद्भाव प्रकाश पूर्वक निवेदित कहा गया नैष्टिक सुंदर सुंदर आकृतिवान आजन्म ब्रह्मचारी ने अव्यंजित हर लक्षण मुख रागादि हर्ष के चिन्हों को न प्रकट करके ही अई हे गौरी इदम एवं क्या ये ऐसा ही है जैसा कि आपकी सखी ने कहा परिहास परिहास मात्र इति इस प्रकार उमा पार्वती से अपेक्षित पूछा। अनुवाद, देवी पार्वती के हृदय के अभिप्राय को जानने वाली उस वेश्या के द्वारा इस प्रकार सद्भाव प्रकाश पूर्वक कहे गए सुंदर आकृतिशाली आजन्म ब्रह्मचारी ने मुख राग आदि हर्ष के चिन्हों को न प्रकट करके हे गौरी क्या ये ऐसा ही है जैसा कि पार्वती सखी ने कहा है अथवा यह प्रयास मात्र इस प्रकार देवी पार्वती से पूछा। बाबा वैश्या देवी के हृदयंगत अभिप्राय को जानती थी, अतः उसने जो कुछ भी उसके विषय में ब्रह्मचारी से कहा था उसे सुनकर उस सुंदर आकृतिधारी आजम ब्रह्मचारी ने अपने मुखराग आदि हर चिन्हों को छिपाते हुए माँ देवी से पूछा कि हे गौरी आप ये बतलाए कि जो कुछ आपकी सखी ने मुझसे कहा है क्या यह सब सत्य है अथवा यह प्रयास मात्र के लिए ही है। 62वां श्लोक, अथ आग्रहस्ते मुकुली कृतांगलो कृत अंगुलौ समर्पयन्ति स्फटिकाक्ष मालिकां कथंचित् अद्रे तनियामिताक्षरं चिरव्यवस्थापित वाग्भाषत्। अन्वय, अथ मुकुलित कृतांगुलौ अग्रस्ते स्फटिकाक्ष मालिकां समर्पयन्ति चिर व्यवस्थापित वाकद्रे तनिया मिताक्षरं कथंचित् अभाषत्। अथ ब्रह्मचारी के पूछने बाद मुकुलित कृतांगुलौ संपूर्ण कृत उंगलियों वाले अर्थात जिसकी उंगलियां कली के समान बंद हो गई थी अग्रस्ते हाथ के अग्रभाग में स्फटिकाक्ष मालिकाम स्फटिक मणियों की जप माला को समर्पण में डालती हुई चिर व्यवस्थापित वाग देर तक व्यापार को संयमित करके अर्थात देर तक क्या और कितना कहना चाहिए इस बात सोच विचार कर अद्रेतने पर्वतराज माने की पुत्री पारते मिताक्षरम परिमित वर्ण पूर्वक कथन किसी प्रकार कठिनाई से अभाषत कहा। अनुवाद, ब्रह्मचारी के प्रश्न के बाद संपूर्णीकृत उंगली वाले हाथ के अग्रभाग में स्फटिक मणियों की जप माला को डालती हुई देर तक अपनी वाणी को संयमित करके पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती ने परिमित वर्ण पूर्वक किसी प्रकार यह कहा। ब्रह्मचारी द्वारा पूछने पर देवी पार्वती ने अपने स्फटिक मणियों की जप माला को मुड़ी उंगलियों वाले अपने हाथ के अग्रभाग में डालकर अर्थात जप करना बंद करके देर तक कथनीय बात पर और कथन प्रकार पर सोच विचार करके कुछ थोड़े से ही अक्षरों में किसी भी प्रकार कहा। वस्तुतः देवी पार्वती शिव नाम जप को छोड़कर ब्रह्मचारी से वार्तालाप करना नहीं चाहती थी, अतः उन्होंने अपनी सखी से ही अपने विषय में कुछ सब कुछ कहला दिया था। पर जब ब्रह्मचारी ने उन्हें बोलने के लिए विवश कर दिया तब उन्होंने किसी प्रकार अंत अति संक्षेप में उससे यह कहा।
यथा श्रुतम वेदावदाम वर त्वया जनो अयम उच्चैः पद लग्न लग्नोत्सुक तप किलेदम तदवाप्ति साधना मनोरथा न अगति न विद्यते। अन्वे वेद विदाम वर त्वया यथा श्रुतम अयम जन उच्चे पद लग्नोत्सुक अस्ति इदम तप तदवाप्ति साधन किल मनोरथा न अगति न विद्यते। शब्दा वेदिदम वेदज्ञों में वर श्रेष्ठ तो या तुमने यथा श्रुतम जैसा सुना है अयम जन ये व्यक्ति उच्च पद लग्नोत्सुक है उच्च पद प्राप्ति के लिए उत्सुक है इदम तप ये मेरा तप तद अवाप्ति साधन उस उन्नत पद की प्राप्ति का साधन है मनोरथा नाम इच्छाओं की अगति विफलता मार्ग अवरोध न विद्य नहीं है। अनुवाद देवी पार्वती ने कहा हे वेदज्ञ जनों में श्रेष्ठ अर्थात वैदिक से तुमने मेरा जैसा सुना है यह व्यक्ति उच्च पद की प्राप्ति के लिए उत्सुक है यह मेरा तब उन्नत पद की प्राप्ति का साधन है क्योंकि इच्छाओं का मार्ग अवरोध तो नहीं होता है। भावार्थ देवी पार्वती ने कहा है वैदिक से तुमने जैसा सुना है अर्थात सके मुख से मेरे विषय में जो कुछ तुमने सुना है वह सत्य है मैं उच्च पद की प्राप्ति के लिए उत्सुक हूँ ये मेरा तप उसी उच्च पद की प्राप्ति का साधन है अर्थात शिव प्राप्ति रूप उच्च पद लाभ इस मेरे तप का परम लक्ष्य है। ये तप तब तक समाप्त न होगा जब तक शिव प्राप्ति न होगी। यदि यह कहा जाए कि तो फिर तुमने ऐसे उच्च पद को पाने के लिए जो इतना प्रयास किया तो इस संबंध में देवी पार्वती का यह कथन है कि मानव की इच्छाओं का तो कहीं भी मार्ग अवरोध नहीं होता मनुष्य इच्छा तो अलभ्य पदार्थ के लिए भी कर सकता है फिर उसे वो मिले या ना मिले। अथा वर्णे विदितो महेश्वर तदर्थिनी त्वकुण्डे वर्तसी अमंगलाभ्या सरतिं विचिन्त्य तम त्वानुवर्तिम न च कर्तुम सह सहे। अथ वर्णी आह महेश्वर विदित है पुनः तुम तदर्थिनी ये वर्तसे अमंगलाभ्या अभ्यास रतिम तम विचिन्त्य त्वानुवर्तिम कर्तुम न उत्सहे। शब्दार्थ अथ पार्वती देवी के उक्त कथन को सुनने के बाद वर्णी ब्रह्मचारी ने आह कहा महेश्वर से वह विदित ज्ञात है अर्थात मैं उनको जानता हूँ पुनः एव फिर भी अर्थात उनके द्वारा एक बार भग्न मनोरथा होकर भी तुम पार्वती तदर्थनी वर्त से उन्हें चाहने वाली हो अमंगलाभ्यास अमांगली पदार्थों से सतत प्रेम रखने वाले तम विचिन्त उनको जानकर तो तुम्हारा अनुसरण या समर्थन कर तुम करने के लिए अहम में न उत्साह नहीं रखता। अनुवाद देवी पार्वती के उक्त कथन को सुनने के बाद ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं उन शिव को जानता हूँ इन्हीं के द्वारा तुम एक बार भग्न मनोरथा हो चुकी हो फिर भी तुम उन्हीं को चाहने वाली हो अमांगलिक पदार्थों से पूरा प्रेम रखने वाले उन्हें जानकर मैं तुम्हारा समर्थन करने के लिए उत्साह नहीं रखता। भावार्थ ब्रह्मचारी ने कहा कि जिस भगवान शिव की प्राप्ति के लिए तुम तप कर रही हो उन्हें मैं जानता हूं यह वही भगवान शिव है जिनसे तुम एक बार भग्न मनोरथा हो चुकी हो पर आश्चर्य यह है कि तुम ये पुनः तुम उन्हीं को चाहने वाली हो जिनके प्रभाव को तुम एक बार देख चुकी हो। दूसरी बात यह है कि वे भगवान शिव सदा अमांगलिक पदार्थों से प्रेम रखने वाले हैं अतः उनको इस प्रकार का जानते हुए मैं तुम्हारे इस कार्य का समर्थन नहीं करना चाहता अमंगल के साथ मंगल का समागम उचित नहीं है। इति अग्रिम 66वां श्लोक है अवस्तु निर्बंध परे कथम नुते करो अयम
उक्त विहा कौतुक करेण संभो वरली किता हिना सहिष्यते तत्प्रथमावलंबन। अन्वय अवस्तु निर्बंध पदे आ मुक्त विवाह कौतुक ते अयम कर वलय कृता ही न संभव करने तद प्रतिभावलंबनम कथम न सहिष्यते। शब्द अवस्तु निर्बंध पदे तुच्छ वस्तु के आग्रह में तत्पर आमुक व्यवहार मंगल सूत्र से युक्त ते तुम्हारा यह वलय कृता ही न सर्प का कंकड़ पहनने वाले शंभु शिव के करेण हाथ से तत्प्रथमावलम उस प्रथम पाणि ग्रह कथम नु सही कैसे सहन कर सकेगा। अनुवाद हे तुच्छ वस्तु पर आग्रह करने वाली पार्वती वैवाहिक मंगल सूत्र से युक्त तुम्हारा यह हाथ सर्प का कंकण पहनने वाले भगवान शिव के हाथ में से उस प्रथम पाणि ग्रहण को कैसे सह सकेगा। बाबा ब्रह्मचारी कहता है कि हे पार्वती तुम असार वस्तु के लिए आग्रह कर रही हो, तुम्हारा शिव प्राप्ति के लिए तप करना एक तुच्छ वस्तु की प्राप्ति के लिए आग्रह करना मात्र है जो कि उचित नहीं। पहले आप यह तो सोचिए कि विवाह बेला में वैवाहिक मंगलसूत्र धारण करने वाला तुम्हारा यह सर्प को कंकण के रूप में पहनने वाले भगवान शिव के हाथ के द्वारा प्रथम पाणि ग्रहण को कैसे सहन करेगा। निश्चय ही विवाह काल में सर्पधारी शिव के हाथ से तुम्हारे पाणि ग्रहण को देखकर न केवल तुम अपितु सभी उपस्थित जन भयभीत हो जाएंगे, अतः ऐसा कार्य उचित नहीं है। अग्रि 66वां श्लोक है। त्वमेव तावत् परिचिन्त्य स्वयं कदाचित् एते यदि योग मरहत बदूदुकुलं कलहंस लक्षणं गजाजिनं सोणित बिंदुवर्षि च। अन्वय त्वमेव स्वयं तावत् परिचिन्त्य कलहंस लक्षणं वधूः दुकुलम सोने बिंदु वर्षी च कदाजिनम एते कदाचित यदि योग्यम अर्हत। शब्द त्वमेव तुम ही स्वयं अपने आप तावत परिचिन्ते उतना सोचिए कलहंस लक्षणम कलहंसों से चित्रित वधू दुकुलम नोड़ा नवोड़ाकार रेशमी वस्त्र तथा सोनित बिंदु वर्षी रुधिर की बूंदों को टपकाता हुआ गजाजिन गज चर्म हेते ये दोनों कदाचित कभी भी योग्यम अर्हत एक साथ मिलने योग्य हैं। अनुवाद हे पार्वती आप ही स्वयं इतना तो सोचिए कि कलहंसों के चित्र से युक्त नवोड़ा का रेशमी वस्त्र तथा रुधिर की बूंदों को टपकाने वाला गजचर्म ये दोनों क्या कभी भी एक साथ मिलने योग्य हैं, अर्थात ये दोनों एक साथ मिलने योग्य नहीं है। भावार्थ ब्रह्मचारी कहता है कि हे पार्वती इतना तो आप स्वयं सोचिए कि नवोड़ा आपका वैवाहिक कोशेय वस्त्र जो कि कलहंसों से चित्रित होगा तथा शिवजी का वह गजचर्म जिससे कि रुधिर की बूंदें टपक रही होंगी क्या ये दोनों एक साथ मिलने योग्य हैं, अर्थात कदापि नहीं। विवाह संस्कार के समय वधू के दुपट्टे के छोर और वस्त्र वर के वस्त्र के छोर में ग्रंथि बंधन किया जाता है, अर्थात इन दोनों वस्त्रों में गांठ लगाई जाती है। ब्रह्मचारी देख कहता है कि उस समय उन दोनों में
ग्रंथि बंधन देखने वालों के लिए एक बड़ा विभत्स दृश्य उपस्थित करेगा इति।